हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने एक पुरानी बरा ली है। पुरानी बरा को यूज में लेकर हम एक नई बरा बनाएंगे। तो चलिए हम इसे कैसे बनाते हैं। देखो, ये मैंने एक लवर लिया है जिससे हम एक बरा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ऊपर का हिस्सा है इलास्टिक वाला, इसको हम यहाँ से कट करके और यहाँ से इसकी अलग कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ये बरा बनाएंगे तो ये 32, 34, 36 इंच साइज होता है उनके लिए बहुत ही आराम से बन के तैयार होगी और कंफर्टेबल भी होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसको जो इलास्टिक होता है उसको अलग कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे सीधा करेंगे, जो दोनों पाँव के साइड होते हैं उसको इस तरीके से हम इसको बिल्कुल सीधा करना है, टेढ़ा मेढ़ा ना रह जाए, नहीं तो एक पार्ट छोटा कटेगा और एक बड़ा कटेगा। तो हम उससे पहले ही इसको बिल्कुल आराम से सेट करके और निशान लगाएंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, यहाँ से हम लंबाई के अनुसार ले रहे हैं। अगर हमें 32 की बनानी है तो हम 16 इंच लेंगे, अगर हमें 34 की बनानी है तो 18 लेंगे, अगर हमें 36 की बनानी है तो हम 20 इंच लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे मैं 32 इंच की बना रही हूँ, तो यहाँ हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई के अंदर। अब हम इसको कट कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा कट करना है हमें। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस साइड से इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल टेढ़ा नहीं लेना है हमें, ऐसे सीधी सीधी कटिंग करनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पाँव की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने कट कर लिया है दोनों को। अब हमें एक पीस को ऐसे रखना है, दूसरा पीस भी हम काम में लेंगे। तब तक आप एक पीस को ध्यान से देखो कैसे काम में लेना है। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े की हम लंबाई चौड़ाई लेंगे 14 और 16। इसकी लंबाई लेंगे 16 इंच और चौड़ाई लेंगे 14 इंच। तो अब देखो हमें इसकी कैसे कटिंग करनी है। इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। देखो, इसको फोल्ड करके यहाँ एक हम निशान लगा लेते हैं, देखो ध्यान से। और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे 7-7 इंच के। तो यहाँ से हम बीच में से रख के और इसके यहाँ देखो 7 इंच पे हो गया है। अब यहाँ से हम इसको सीधा कट करेंगे बीच के अंदर से। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है, देखो। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करना है, देखो इसके दो पार्ट हो गए, अब इसके चार पार्ट हो गए। तो इसको हमने फोल्ड कर लिया है, इसके चार पार्ट हो गए हैं। तो अब हमें इसके ऊपर निशान लगाने हैं। देखो कैसे हमें इसके ऊपर निशान लगाने। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब फ्रेंड्स देखो, एक साइड तो हमें मोड़े की ओर निशान लगाना है, 3 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ से हम जो 4 इंच पे निशान लगाया था बीच के अंदर से, दोनों साइड में बीच में रखे आधे आधे इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ पे हम आधे इंच पे निशान लगाएंगे, ये लगा लिया। अब यहाँ से ये मोड़े की साइड हो गई है, और दूसरी साइड जब हम निशान लगाएंगे यहाँ पे हमें, यहाँ नीचे की ओर हमें 2.5 इंच पे लेना है, या 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड हम बनाएंगे गला, जो बरा का गले की साइड होती है वो यहाँ पे बनेंगे। इसको हम निशान लगा के और ऐसे गोलाई के अंदर लेके यहाँ से निशान करके यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेम जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। एक साइड से कटिंग हो गई, अब दूसरी साइड से भी हम वैसे ही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, हमने दूसरी साइड भी इसको कट कर लिया है। अब हम बीच के अंदर से इसको कट कैसे करेंगे, देखो। ये यहाँ पे निशान लगाया हमने आधे इंच पे, यहाँ पे हमें आधे इंच पे निशान लगाना है। दोनों साइड से हमें आधे आधे इंच पे, वैसे जैसे हमने ऊपर लगाया था सेम उसी तरीके से आधे आधे इंच पे हम दोनों साइड में निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर की ओर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इनको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके मिला लेंगे दोनों को ऐसे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे सेम जैसे हमने निशान लगाया है। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से कट करेंगे। ऐसे हमने बीच के अंदर से निशान लगाया था यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे,
ये देखो इसके दो पार्ट बन गए हैं। यहाँ से अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखो कैसे, यहाँ से पकड़ो और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करनी है दोनों पार्ट की। तो चलो हम सिलाई कर लेते हैं। इस जॉइंट को यहाँ पे रखो इस तरीके से। जहाँ तक हमने कटिंग की है वहीं तक हमें ऐसी सिलाई करनी है। तो यहाँ से हमने कर लिया है, देखो इसको ऐसे फोल्ड करो और यहाँ सिलाई करो। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को सिलना है। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ से कट लगाएंगे, इसको अलग कर लेंगे। तो क्या करना है हमें, ये हो गया सेम, इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी सिलना है। तो मैंने इसके दोनों को सिल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो सेम ये देखो दोनों कैसे हमने सिलाई से कवर कर लिया है। अब हमें इनके लिए पट्टी बनानी है। तो ये पट्टी लंबाई मैंने इसकी 13 इंच ली है और चौड़ाई ली है 2 इंच। अगर आपको चौड़ी पट्टी रखनी है तो आप 2 की जगह 3 भी ले सकते हो। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे। सेम जैसे हम नाड़ा बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई करके और ये पट्टी सी बनानी है। बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हमें एक बारीक सी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों पट्टियाँ बना ली हैं। अब ये रखो, देखो एक पीस ये रखा हमने। फिर हम डोरी रखेंगे, इस तरीके से रखनी है हमें डोरी दोनों साइड बिल्कुल बीच के अंदर। अब हम दूसरा पीस रखेंगे, ये हमने दूसरा पीस रखा है सेम इसके। ऐसे हमें एक सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करके देखो आप, इसको सीधा कर लिया है हमने इस तरीके से। अब हमें इसके नीचे की पट्टी बनानी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी लंबाई है उसके हिसाब से हमने पट्टी को काट लिया है और फोल्ड किए हमने। जितनी आपको नीचे की चौड़ी पट्टी रखनी है उसके हिसाब से आपको ये पट्टी काटनी है। तो इस तरीके से मैंने इसको काट के सील लिया है नीचे वाली पट्टी को। अब हमें दोनों साइड एक एक पट्टी और लगानी है सेम उसी तरीके से। हमें कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ पे रखो और ऐसे सिलाई करो दोनों साइड से। इस तरीके से हमें इसको सीलना है और इसके साथ जॉइंट करनी है। तो मैंने दोनों को सील के जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक सिलाई और लगाएंगे दोनों साइड पे। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा के और ऐसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर बिल्कुल जहाँ हमने ऊपर सिलाई की है उसके सीध में हमें नीचे की ओर दोनों साइड में ये डोरियाँ अटैच करनी है। तो उससे पहले देख लो, आप नाप ले लो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हमें 3-3 इंच पे लगानी है सेम जैसे हमने ऊपर सिलाई की है वैसे हमें यहाँ पे बिल्कुल सीध के अंदर ये सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों को जॉइंट कर दिया। अब देखो हमें आगे क्या करना है, जो हमने पुरानी बरा ली थी हमारे काम में नहीं आ रही है उसको हम इस तरीके से काम में लेंगे। देखो ये बरा ली है, इसकी जो हुक की साइड है उसको हम दोनों को कट कर लेंगे। कट करने के बाद में यहाँ से हम पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है और इसके अंदर हमने ये हुक डाल दिए हैं इस साइड से। और यहाँ से हम दोनों साइड में इसके एक एक सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड से डाल के और एक एक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड से इसको सील दिया है हुक डाल के। देखो इस तरीके से बंद हो गई है और इसके साथ हमारी बरा बन के तैयार। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर फ्रेंड्स आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर